गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ भाई, फर्स्ट ईयर आप लोगों के में जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो था सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। लास्ट टर्न पे बताया गया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यही नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है ना आप लोगों के में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम और किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा लेमा के नाम से जानते हैं, ठीक है, या फिर इसे हम सेल मेम्ब्रेन। या फिर इसे हम कोशिका झिल्ली, ठीक है, इसे हम इतने नामों से जानते हैं। वहीं आप लोगों को बताया गया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके बारे में सबसे पहले किसने खोज की थी? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नागेली, ठीक है, तो नागेली ने सबसे पहले इनके बारे में खोज की थी। वहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो जंतु कोशिका की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, मतलब आपके जंतु कोशिका में सबसे ऊपर की तरफ का जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली के नाम से इसे हम जानते हैं। वहीं कोशिका झिल्ली जो है वो अगर हम बात करें आपके किसी पादप कोशिका में, ठीक है, तो पादप कोशिका में ये कोशिका झिल्ली हमेशा कहाँ? कोशिका भित्ति के अंदर मौजूद होती है। अच्छा, फर्स्ट ईयर आप लोग आए हैं, शांति से बैठिए, यहाँ पर आवाज किसी की ना आए, ठीक, चलिए बात करते हैं। तो जब हम बात करें आपके किसमें, कोशिका झिल्ली, जब जंतु कोशिका में तो सबसे बाहरी आवरण होता है ये, ठीक है, लेकिन आपकी पादप कोशिका में ये कोशिका झिल्ली अंदर वाली है, ये हमेशा कोशिका भित्ति के अंदर मौजूद होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों में अंतर है, ये जंतु कोशिका है, ये पादप कोशिका है, तो लेकिन इनमें कोशिका झिल्ली दोनों में मौजूद होती है, ठीक है, लेकिन अंतर रहता है तो सिर्फ कोशिका भित्ति का, सेल वॉल, और सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में ही पाई जाती है। यहाँ तक तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में ये बताया गया था क्लास कि ये त्रिस्तरीय होती है। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? त्रिस्तरीय होती है, सबसे बाहर, ठीक है, त्रिस्तरीय का मतलब है एक स्तर ये, दो और तीन, ठीक है, तीन स्तरों का बना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई जंतु कोशिका है, ठीक है, इसमें से मैंने यहां से लेकर यहां तक इस पोर्शन को लिया है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा है, तो मुझे कुछ इस तरह से ये कोशिका झिल्ली नजर आई है, ठीक है। तो सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो बना होता है प्रोटीन का, किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। और सबसे अंदर की तरफ जो एक आवरण रहता है उसे, वो भी किसका बना होता है? प्रोटीन का। लेकिन इन दोनों प्रोटीन के बीच में जो ये स्तर मौजूद होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? किसका बना होता है? लिपिड का। और ये लिपिड भी कैसी होती है? बाईलेयर, ठीक है, बाईलेयर लिपिड मौजूद होती है ये। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि बाई लेयर लिपिड का मतलब क्या होता है? तो एक बात बताइए क्लास, इस बाई लेयर शब्द को अगर मैं दो भाग में डिवाइड कर दूं तो यहाँ मुझे बाई और लेयर दो शब्द दिखाई दे रहे हैं। बाई मतलब होता है दो, ठीक है, और लेयर, तो मैं ये कहूं कि जो लिपिड होता है वो दो लेयर का मौजूद होता है, तो गलत नहीं होगा, बात एक ही है,
लिपिड जो है वो हमेशा दो स्तर का बना होता है। दो स्तर का कैसे होगा ये भी समझिए, ऐसे समझिए, ठीक है। तो एक स्तर ये है और दूसरा स्तर ये, ठीक है। तो लिपिड जो है वो बाइलेयर कैसी है, किसमें लिपिड की ही, मतलब लिपिड वसा होती है, लिपिड वसा की दोहरी भित्ति मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। दो स्तर मौजूद हैं इसीलिए से हम क्या बोलेंगे, लिपिड बाइलेयर, ठीक है। इसकी मोटाई के बारे में हमने बात की थी, तो ये बताया था कि प्लाज्मा कला जो है वो कितनी उसकी होती है, 75 एंगस्ट्रॉम की, यही बताया था, ठीक है। जिसमें से प्रोटीन जो होती है वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम, ये भी कितनी की होगी, 20 एंगस्ट्रॉम। लेकिन ये लिपिड बाइलेयर जो होती है ये होती है 35 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब क्लास जब आप इन तीनों का एडिशन करके देखेंगे, जोड़कर देखेंगे जब आप, तब आपको कितना मिलेगा यहाँ पर, 75 एंगस्ट्रॉम। तो यही तो बताई है मैंने मोटाई, ठीक है। लेकिन क्या सभी कोशिकाओं में, भाई हमारा शरीर जो है हम बहुकोशिकीय जीव है, ठीक है, क्या हमें जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सभी उनकी सबकी कोशिका भित्ति इतनी है क्या, ऑफ कोर्स नॉट, है ना, सभी की तो मौजूद नहीं होगी इतनी मोटाई में कोशिका झिल्ली। तो कहने की बात ये है, ये तो एवरेज दिया गया है कि लगभग आपकी जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सभी इतनी मोटाई की होती हैं, लेकिन कुछ कोशिकाएं उनकी जो झिल्ली होगी, जैसे हम बात करें तो ब्लड सेल्स, हमारे अंदर जो ये रक्त कोशिकाएं होती हैं उनकी मोटाई अलग होती है, ठीक है। बाकी आपकी एपिथेलियल जो कोशिकाएं होती हैं उनकी जो कोशिका झिल्ली होगी वो भी थोड़ी अलग होगी, लेकिन आपकी मोस्ट ऑफ दी सेल्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो कोशिकाएं होती हैं उनकी मोटाई इतनी ही मिलेगी, ठीक है। और उनका आप जब संरचना देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे, तब आपको कुछ इसी प्रकार से नजर आएगा, क्लियर, कोई परेशानी नहीं। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को ये बताया था क्लास कि इस संरचना के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी बात रखी थी, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट के नेम भी लिखवाए थे, लेकिन ये कहा था कि ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ दो आपके में कॉन्सेप्ट बताए थे जो आपके सिलेबस में है ना, तो हम सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे। आपके जो सिलेबस में है क्लास वो है रॉबर्टसन का एकक कला सिद्धांत, और सेकंड है सिंगर व निकोलसन। सिंगर व निकोलसन का सिद्धांत, ठीक है, ठीक है। पहली बात, आप लोगों को जरूरी नहीं है कि इन दोनों ही शब्द से सुनाई दे, मतलब आपके जो क्वेश्चन पेपर में आएगा जरूरी नहीं है इन्हीं नाम से आ जाए। अगर हम बात करें रॉबर्टसन का एकल कला सिद्धांत, ठीक है, तो हो सकता है वहां पर आपके में डायरेक्ट यही आई एकल कला सिद्धांत के बारे में बताइए, ठीक है। तो ये आपकी बुद्धिमानी बोलती है कि आपको किसके बारे में लिखना है एकल कला सिद्धांत में, ठीक है। एकल कला सिद्धांत सिर्फ और सिर्फ रॉबर्टसन ने दिया था, ये साइंटिस्ट का नेम है इसीलिए इसको याद रखने के लिए इसके साथ जोड़ दिया गया है, ठीक है। लेकिन उनका सिद्धांत तो सिर्फ एकल कला सिद्धांत ही है, ठीक है, तो आपके पेपर में ये भी आ सकता है। सेकंड, अगर हम बात करें सिंगल व निकोलसन के बारे में, तो इसमें जनरली जरूरी नहीं है सिंगर व निकोलसन का नाम दिया जाए, इसमें मिल सकता है फ्लड म्यूजिक मॉडल के बारे में बताइए, ठीक है। इसको पता नहीं क्या अजीब सा बोलते हैं हिंदी में, तो कुछ अर्ध तरल करके कुछ बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप लोग इतना याद रखिएगा फ्लड म्यूजिक मॉडल के नाम से, ठीक है। इंग्लिश में भी तो आएगा पेपर, ऐसा तो नहीं सिर्फ हिंदी हिंदी में आएगा, इंग्लिश में भी आता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा याद रखिएगा, कभी गलत नहीं होगा।
तो फ्लड मोजेक मॉडल के नाम से आते हैं। ये पेपर में बहुत रेयर होता है कि आपके में ऐसे भी आ सकता है और सिर्फ जो शॉर्ट में लिखा हुआ है वो भी आएगा। ठीक है, आप अपने चाहे तो उठा के देख लीजिएगा जो अनसॉल्व होते हैं ना उसमें। ठीक है, दोनों ही तरीके से दिए हैं क्वेश्चंस में, तो आप लोग अब थोड़ा सा लिख लिया करें इस चीजों को जो मैं बताती हूँ ना, इंपॉर्टेंट चीजें जो होती है लिख लिया करें नोट डालकर। चलिए बात कर लेते हैं पहले रॉबर्टसन का एकल कला सिद्धांत के बारे में, हम फिर बात करेंगे फ्लड मोजेक मॉडल के बारे में। चलिए हाँ भाई, तो रॉबर्टसन जो थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने सन 1959 में ये मॉडल दिया था रॉबर्टसन का एकल कला सिद्धांत। ठीक है, तो एकल कला सिद्धांत जो है कब दिया गया था, 1959 में, और किसने दिया था, रॉबर्टसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो त्रिस्तरीय होती है, जिसमें आगे वो सबसे ऊपर और सबसे अंदर की तरफ जो एक झिल्ली मौजूद होती है, जो एक कला मौजूद होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन की बनी होती है, और उन दोनों के बीच में जो एक स्तर मौजूद होता है वो लिपिड का, वसा का बना होता है। ठीक है, और वसा भी दोहरी झिल्ली युक्त होती है। दोहरी से मतलब है यहाँ पर कि ये लिपिड बाई लेयर होती है। ठीक है, वहीं जब हम बात करें आपके प्रोटीन की, तो प्रोटीन का स्तर कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम का, और आपका लिपिड बाई लेयर 35 एंगस्ट्रॉम का मिलकर बना होता है। तो रॉबर्टसन ने ये कहा था कि जो कोशिका कला सिद्धांत जो है उसमें ये जो आपकी झिल्ली है वो 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ी है। हम जो एक नॉर्मल लेके चलते हैं ना, वो रॉबर्टसन का ही एकल कला सिद्धांत के बारे में बोलते हैं। ठीक है, जो आपसे जितनी बात बताई थी स्टार्टिंग में वही बात है यहाँ पर। तो किसने सिद्ध की थी, रॉबर्टसन नाम के साइंटिस्ट ने सिद्ध किया था उसको। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे अपने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज सिंगर व निकोलसन का फ्लड मोजेक मॉडल।
हाँ भाई फर्स्ट ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका सिंगर व निकोलसन का फ्लड म्यूजिक मॉडल जो है वो किसने दिया था? सिंगर व निकोलसन नाम के दो साइंटिस्ट थे, दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। और कब दिया था? सन 1972 में दिया था, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था, बना लो तसल्ली से, ठीक है, ये बाद में बना लेना, पहले देख लो। यहाँ पर, यहाँ पर सबसे ऊपर का और नीचे का किसका होगा? प्रोटीन का बना होगा, और बीच में ये जो है ये लिपिड वाला हिस्सा है, ठीक है। उन्होंने ये कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो प्रकार की प्रोटीन मौजूद होती हैं, ठीक है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की प्रोटीन मौजूद होती है, जिन्हें हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन व इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक को बोला जाता है समाकल प्रोटीन, समाकल प्रोटीन, और एक्सट्रिंसिक को बोला जाता है परिधीय, परिधीय प्रोटीन, ठीक है। तो ये दो प्रकार की प्रोटीन मौजूद होती है किसमें? सेल मेम्ब्रेन में, कोशिका झिल्ली में, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था, जब हम बात करें आपकी इंट्रिंसिक प्रोटीन की, ये है आपकी इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। तो ये एक ऐसी प्रोटीन होती है जो या तो पूरी तरह से या फिर आधी, ठीक है, हमेशा इस लिपिड के अंदर घसी रहती है। लिपिड वाला हिस्सा है ना, लिपिड बाई लेयर है ना, तो लिपिड के अंदर जो है ये हमेशा आधी या आधी से ज्यादा घसी रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रोटीन को जो लिपिड के अंदर घसी रहती है उसे हम बोलते हैं समाकल प्रोटीन, यानी कि इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। और ये इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होती है वो उभय संवेदी होती है। कैसी होती है? उभय संवेदी होती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि उभय संवेदी मतलब क्या होता है, ठीक है। उभय मतलब होता है दो, दोनों, ठीक है। तो कहने की बात ये है, यहाँ उभय संवेदी से मतलब है कि इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है इसमें दो सिरे मौजूद होते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं आपके हाइड्रोफिलिक हेड, ठीक है। ये जो है ना, ये दिस इज अ हाइड्रोफिलिक हेड, वही एक होता है हाइड्रोफोबिक। आप हाइड्रोफोबिक हेड के नाम से जाने, यहाँ टेल लिखा हुआ है ना, हेड भी मौजूद है यहाँ, तो टेल शो किया गया है इसमें, ठीक है। तो यहाँ दो आपके सिरे मौजूद होते हैं। हाइड्रोफिलिक को बोला जाता है जलरागी, ठीक है, जलरागी सिरा, हेड माने सिरा। वही एक होता है हाइड्रोफोबिक, उसे बोला जाता है जलविरागी। देखिए, जलविरागी सिरा। तो कहने की बात यह है कि आपकी समाकल प्रोटीन जो है इनके दो सिरे मौजूद होते हैं, ठीक है, एक जलरागी होगा और एक जलविरागी होगा। जलरागी नाम से ही पता चल रहा है, ये एक ऐसा सिरा है जो आपके जल की तरफ मौजूद होगा। जल से मतलब है यहाँ पर आपका जो फ्लड होता है, ठीक है, उसकी तरफ उसका सिरा मौजूद होगा, ठीक है। वहीं जब हम बात करें जल विरागी, नाम से पता चल रहा है ये जल से दूर होगा, ठीक है। तो ये वो सिरा होता है जो हमेशा इस वसा की तरफ मौजूद होता है, ठीक है। ये वो सिरा होता है जो कहां पर मौजूद होगा? वसा वाले हिस्से में मौजूद होगा, जबकि आपकी जल रागी जो जल की तरफ मौजूद होगा, ठीक है। तो दो सिरे मौजूद है किसमें? आपकी समाकल प्रोटीन में, ये समाकल प्रोटीन है, ठीक है। और समाकल प्रोटीन कहां मौजूद होती है? इस वसा में आधी या पूरी इसमें समाई हुई है, ठीक है ना, है उस वसा में, ठीक है, समाकल प्रोटीन। अब हम बात करते हैं आपकी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में, मतलब परिधीय प्रोटीन, ठीक है। ये परिधीय प्रोटीन जो है ये हमेशा वसा से लूजली अटैच रहती है। किससे अटैच रहेगी? ये वसा से लूजली अटैच। लूजली अटैच का मतलब समझते हैं आप लोग? लूजली अटैच का मतलब समझते हैं? नहीं, कोई बात नहीं। लूजली अटैच से मतलब होता है ढीले से जुड़ा हुआ। देखो, एक तो ये चौक है, इसके अंदर एक तरफ घसी हुई है आधी से ज्यादा, ठीक है। तो ये तो हो गई इंट्रिंसिक प्रोटीन,
ठीक है। अब इसी के साथ मैं कोई भी यहाँ पर थोड़ा सा गम लगा के हल्का सा चिपका दूं इस पर या किसी धागे से जोड़ दूं इसको, ठीक है, तो इससे ये बहुत कम हिस्से से जुड़ी रहे, लाइक दिस, ठीक है, इस तरह जुड़ी रहे ये, ठीक है, तो ये ढीले से जुड़ी हुई है इससे, ठीक है, वसा से ये जो आपकी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है परिधीय प्रोटीन वो ढीले से जुड़ी हुई है, अच्छी तरह तो नहीं जुड़ी हुई ना, तो ऐसी प्रोटीन जो वसा के साथ ढीले रूप में जुड़ी हो, लूजली अटैच हो, ठीक है, उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, परिधीय प्रोटीन, नाम से ही पता चल रहा है कि ये परिधि की तरफ होगी, परिधि समझते हैं ना आप लोग, परिधि की तरफ जो प्रोटीन मौजूद होती है उसे हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक, यानी कि परिधीय प्रोटीन। इन दोनों में मतलब एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, इन समाकल प्रोटीन और परिधीय प्रोटीन में सिंगर व निकोलसन ने एक और अंतर बताया था, उन्होंने ये कहा था कि इन दोनों प्रोटीन में से हम इस एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को आसानी से अलग कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, जो चीज लूजली अटैच है, बहुत ढीले नुमा से जुड़ी हुई है, आप उसको आसानी से हटा पाओगे या जो अंदर तक बसी हुई है? तो ऑब्वियसली सी बात, जो लूजली अटैच है उसको आसानी से अलग किया जा सकता है ना। तो सेम बात आपके किसने बोला था, सिंगर व निकोलसन ने कहा था कि ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है इसे हम वसा से बहुत आसानी से अलग कर सकते हैं, जबकि इंट्रिंसिक प्रोटीन को इसमें से अलग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, समझ में आया। उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि इसमें ये वसा वाला जो भाग होता है ये क्वासी लिक्विड होता है, क्वासी लिक्विड मतलब रहता है अर्ध तरल अवस्था में मौजूद होता है, ठीक है, और इस अर्ध तरल की वजह से ही हम इसके मॉडल को क्या नाम देते हैं, फ्लड मोज़ेक मॉडल, यही बताया था मैंने अभी, फ्लड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है सिंगर व निकोलसन के इस सिद्धांत को। समझ में आया, फर्स्ट ईयर सभी स्टूडेंट से पूछ रहे हैं सिंगर व निकोलसन का मॉडल समझ में आया या नहीं। मैम वो रिकॉर्डिंग पॉज कीजिएगा प्लीज, पॉज कर दीजिए। हाँ भाई, निकोलसन, तो यहाँ सिंगर व निकोलसन ने सन 1972 में एक मॉडल, एक सिद्धांत दिया था कोशिका झिल्ली को लेकर, ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि इस तरह तो होती ही है, लेकिन इसमें जो प्रोटीन होती है वो दो प्रकार की होती है, समाकल प्रोटीन और परिधीय प्रोटीन, ठीक है, समाकल प्रोटीन वसा में आधे रूप से या पूर्ण रूप से धसी रहती है, ठीक है, और ऐसी प्रोटीन को जो वसा में पूरी रूप से धसी हो उसे हम क्या बोलते हैं, समाकल प्रोटीन, और ये समाकल प्रोटीन उभय संवेदी होती है। क्यों बोलते हैं उभय संवेदी, इसके दो सिरे मौजूद होते हैं, जलरागी व जल विरागी। जलरागी मतलब इसका जो सिरा है, इसका जो सिरा वो कहां पर मौजूद होगा, जल की तरफ मौजूद होगा, जबकि जल विरागी उसका सिरा कहां मौजूद होता है, वसा की तरफ मौजूद होता है, जल से दूर, ठीक है, इसके दो सिरे मौजूद। वहीं जब हम बात करें आपकी परिधीय प्रोटीन की, तो ये परिधीय प्रोटीन जो है ये हमेशा वसा से लूजली अटैच रहती है, मतलब ढीले रूप में जुड़ी हुई रहती है, ठीक है, तो ऐसी प्रोटीन जो वसा से कैसी हो, ढीले रूप में जुड़ी हुई हो, उसे हम कहते हैं परिधीय प्रोटीन, और हम इस परिधीय प्रोटीन को आसानी से अलग कर सकते हैं, जबकि आपकी समाकल प्रोटीन को वसा से अलग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, ये बात किसने कहा था, सिंगर व निकोलसन ने, ठीक है, अपने सिद्धांत में। क्लियर हुई, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अब हम बात करेंगे प्लाज्मा कला की।
देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ विशिष्ट संरचनाओं के बारे में, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डेस्मोसोम्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए क्लास, ये डेस्मोसोम्स क्या होते हैं समझिएगा, ये कोई दो कोशिकाएं हैं, ठीक है, एक कोशिका ये दूसरी कोशिका, दो कोशिकाएं हैं तो ये क्या होगी, कोशिका झिल्ली होगी, कोशिका झिल्ली होगी ना ये, हाँ। जब ये दो कोशिका अपने एक दूसरे के बहुत नजदीक होती हैं जब, ठीक है, तो इनके बीच में एक स्पेस रहता है, एक स्थान रहता है, ठीक है, जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग रखता है, ठीक है, और इस स्थान को हम बोलते हैं आंतरकोशिकीय स्थान, आंतरकोशिकीय स्थान मतलब इंट्रा सेल्यूलर स्पेस, ठीक है, इंट्रा सेल्यूलर स्पेस कहा जाता है इसे। अब समझिएगा, जब इस तरह से दो कोशिकाएं अपने बहुत नजदीक होती है एक दूसरे के, ठीक है, तब उस दौरान इन दोनों कोशिकाओं के नजदीक होने पर ये एक स्थान से, ये जो कोशिका झिल्ली होती है वो थोड़ी मुड़ती है इस तरह, ठीक है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पर, कैसा बनेगा, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम बोलते हैं आपके डेस्मोसोम्स, क्या बोलेंगे, डेस्मोसोम्स कहा जाता है, ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम कोशिकाओं में देखने को मिलता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, इन डेस्मोसोम्स में से कुछ नलिका रूपी संरचनाएं निकलती हैं जो कोशिका के अंदर की तरफ प्रवेश करती हैं, ठीक है, ये इस तरह से कुछ कोशिकाएं निकलती हैं जो अंदर की तरफ प्रवेश करती हैं, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं टोनोफाइब्रल्स। ठीक है, क्या कहते हैं, टोनोफाइब्रल्स कहा जाता है, ठीक है, समझ में आया, डेस्मोसोम्स एंड टोनोफाइब्रल्स, ठीक है। चलिए फर्स्ट ईयर आप लोग जरा रीजन कीजिए प्लीज। यस मैम, गुड।